कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए लगाए जाने वाले लॉकडाउन से लाखों लोगों की अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाता है। रोजगार छीनने की वजह से लोगों के लिए 2 जून की रोटी के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में राजधानी में जिला प्रशासन ने सामुदायिक रसोई संचालन का फैसला लिया है। पटना के सामुदायिक किचन में लोगों के लिए ना सिर्फ खाने पीने की सुविधा होगी बल्कि कुछ स्थानों पर लॉकडाउन के नियमावली का पालन करते हुए उनके लिए ठहराव का भी सुविधा दी जाएगी, जिसका मजदूर यात्री निस्तक्त लोग लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाजे से प्रत्येक समुदाय किचन स्थल पर 4 की संख्या में पुलिस बल और महिला बल की तैनाती होगी, जबकि स्वास्थ्य विभाग ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क के साथ इलाज के लिए स्वास्थ्य टीम की तैनाती करेगा। पटना में टोटल 11 सेंटर्स पे चलाया जा रहा है सामुदायिक किचन, जिसमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं गृह विभाग द्वारा, उसमें लोग, कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, जैसे कि जो गरीब, निर्धन, मजदूर हैं, उनके लिए यहाँ पर रसोई, सामुदायिक रसोई का आयोजन किया गया है 11 सेंटर्स पे। 4 आपदा प्रबंधन अपर समर्थता द्वारा संचालित किए जाएंगे और 7 नगर निगम द्वारा। खाने के लिए कितने बार उन लोगों को चावल, दाल, सब्जी वगैरह का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरह से सारी तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं कि जो लोग खाना बना रहे हैं वो, उनका सबका रैपिड एंटीजन कोरोना टेस्ट कराया गया है, सभी नेगेटिव पाए गए हैं, उसके बाद ही उन्हें लगाया गया है यहाँ पर काम पे। सब प्रॉपरली मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स लगाए हुए हैं, हेडगेयर भी पहने हुए हैं। पहले दिन भीड़, अभी लोग आ ही रहे हैं, कुछ लोग आके खा के जा चुके हैं, और हम लोग एक स्टॉक पंजी भी मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन लोग आए, खा कर गए, नाम के साथ भंडारण पंजी भी मेंटेन किया जा रहा है। उसको हम लोग यहाँ नाम इंट्री करके उसको खाना दिया जा रहा है। क्या कुछ खाना में आप लोग रोजाना अवेलेबल कराएंगे? 2 समय का खाना, 2 समय का खाना, जो चावल है, दाल है, सब्जी है। कितने बजे खाने का समय रहेगा? कहिए, दिन में हम 12 बजे या 11 बजे शुरू करवा देंगे। 11 बजे हाँ, शाम में 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद हाँ। यहाँ पे लोगों को रहने के लिए भी क्या जगह दिया गया है, या जो आके खा सकते हैं आके खा सकते हैं, उनका खिला रहे हैं? फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान आईएएस एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचियावाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ